स्वागत है आप सबका अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर में। क्लासिक फिल्मों का रीमेक होना चाहिए या नहीं, इस पर लोग एकमत नहीं हैं। लेकिन इतना तय है कि रीमेक के नाम पर क्लासिक फिल्मों से मजाक नहीं किया जा सकता। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम राम गोपाल वर्मा की आग है। 2007 में आई राम गोपाल वर्मा की आग ऐसी ही एक कोशिश थी, जिसे दर्शकों ने क्लासिक शोले के साथ रामू का मजाक माना। फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में तो नाकाम रही। राम गोपाल वर्मा ने दर्शकों के दिलों में जो जगह बनानी थी वो इस फिल्म से खतरे में पड़ गई। इस फिल्म की मेकिंग में रामू को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा, जो लगभग 40 करोड़ रुपए का था। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। शोले जैसी फिल्म का इतना गंदा रीमेक करने पर रामू की कड़ी आलोचना हुई। दरअसल ये रीमेक राम गोपाल वर्मा का बहुत पुराना सपना था, जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहते थे। इस फिल्म को बनाने के लिए रामू इतने जुनूनी थे कि ओरिजिनल शोले की निर्माता कंपनी सिप्पी फिल्म से फिल्म बनाने की परमिशन लिए बिना ही उन्होंने फिल्म बना डाली, जिस कारण निर्माताओं ने रामू पर कॉपीराइट का मुकदमा दर्ज करा दिया। नतीजा ये हुआ कि रामू को 10 लाख रुपए का जुर्माना निर्माता कंपनी को देना पड़ा। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सुष्मिता सेन, मोहनलाल जैसे बड़े कलाकारों के बावजूद फिल्म सुपर फ्लॉप रही। फिल्म फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण था इसकी मेकिंग में देरी। रामू ने फिल्म 2005 में अनाउंस की थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही अमिताभ बच्चन की एक सर्जरी हुई, जिसके कारण फिल्म 3 महीने डिले हो गई। फिर रामू को कॉपीराइट मुकदमे का सामना करना पड़ा। फिल्म के कलाकारों को बार बार बदला गया, ये भी देरी का एक बड़ा कारण था। जब फिल्म पूरी हुई तो लगभग 101 प्रिंट दिल्ली और यूपी NCR में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार किए गए, पर कोई सिंगल स्क्रीन थिएटर फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। फिल्म की ओपनिंग एवरेज रही। इस फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और ये व्यावसायिक रूप से असफल भी साबित हुई। अमिताभ बच्चन ने बाद में स्वीकार किया कि फिल्म एक गलती थी। तो ये थी अमिताभ बच्चन की फिल्म राम गोपाल वर्मा की आग। ऐसे ही आगे हम आपको उनके करियर में की गई हर एक फिल्म के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।